बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का एक्स पर पोस्ट सामने आया, हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। राम मोहन नायडू एविएशन मंत्री हैं और ऐसे में मौके पर बचाव कार्य अभी भी जारी है, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एविएशन मंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो जिस तरीके से हादसा हुआ है उस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और बचाव कार्य भी सब चल रहा है। और उन्होंने ट्वीट किया है कि पर्सनली मॉनिटरिंग द रूफ कोलैप्स इंसिडेंट एट T1 दिल्ली एयरपोर्ट, और यानी कि वो खुद इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आर वर्किंग एट साइट, ऑल्सो एडवाइज द एयरलाइंस टू असिस्ट ऑल अफेक्टेड पैसेंजर्स एट T1, द इंजर्ड हैव बीन इवैक्यूएटेड टू हॉस्पिटल, रेस्क्यू ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग। मतलब ऑपरेशन लगातार जारी है, तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वो खुद पर्सनली इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं और जो घायल हैं उनके बारे में भी वो जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ T1 Terminal 1 पे एयरपोर्ट पर फिलहाल कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी उनकी नजरें लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू, उनके द्वारा पोस्ट कर ये जानकारी दी गई है कि वो पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। तो ये बड़ा हादसा आज सुबह करीबन 5:30 बजे के आसपास होता है जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की Terminal 1 पर एक पिलर गिर जाता है और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें जो कि आपकी स्क्रीन पर। इस पूरे घटनाक्रम में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं और गाड़ियों के अंदर लोग फंस जाते हैं जिनको कड़ी मुशक्कत के बाद में बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद बताया जा रहा है कि 4 लोग कुल मिलाकर घायल हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर कोई हेल्थ बुलेटिन हालांकि जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा हादसा हो जाता है। घायलों का इलाज लगातार जारी है और इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अब यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। और ये बड़ी खबर, एक और अपडेट, इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोग घायल हुए हैं। सुबह 5:30 बजे एयरपोर्ट पर Terminal 1 पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट Terminal 1 पर पिलर गिर जाता है और इस पिलर गिरने में पहले बताया जाता है कि 4 लोग घायल होते हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा बड़ा है, बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्या मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और अभी बारिश को हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं और इस बीच अगर इतना बड़ा हादसा वो भी एयरपोर्ट पर होता है तो कई सारे बड़े सवाल यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के ऊपर खड़े होते हैं। फिलहाल घायलों को इलाज देना पहली प्राथमिकता, 6 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। बिल्कुल, और अपने आप में ये घटना तमाम सवाल खड़े करती है। Terminal 1 का एक हिस्सा टूट कर गिरा है और देखिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है उस वजह से ये छत का हिस्सा गिरा हो। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से बड़ा हिस्सा गिरा है, कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, जिस वजह से ये पिलर गाड़ियों को ऊपर गिर गया है। वहां पर टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन अपने आप में ये पूरी घटना सवाल खड़े करती है कि अगर भारी संख्या में लोग यहाँ पर होते तो सोचिए किस तरीके से आंकड़ा घायल होने वाले लोगों का और ज्यादा होता। पहले 4 ये आंकड़ा बताया जा रहा था, अब 6 ये आंकड़ा हो चुका है। गाड़ियां जो वहां पर खड़ी थी एक एक करके वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। खुद उड्डयन मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि राहत बचाव का काम चल रहा है, नजरें वो लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसको लेकर जवाब देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है या फिर नजरअंदाज मेंटेनेंस के काम को किया गया। अचानक से तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया हो, मेंटेनेंस ये मांग रहा होगा, ध्यान इस तरफ शायद ना दिया गया हो और इसी वजह से आज जब तेज बारिश हुई, जब झमाझम बारिश हुई तो ये छत का हिस्सा इस बारिश को नहीं झेल पाया और सीधे धड़ाम हो गया। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है और जो उड्डयन मंत्री हैं उनकी नजर इस पर लगातार बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया और इसी बीच संवाददाता सुरेश झा जुड़ गए हैं। सुरेश, जो घायलों की संख्या थी वो अब बढ़ गई है, 4 से उठकर अब 6 ये संख्या हो गई है। हालांकि उड्डयन मंत्री का कहना है कि पूरी नजर इस घटना पर वो खुद रखे हुए हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह 5:30 बजे करीबी हादसा हुआ था और 4 लोग जो इसमें जख्म थे। हालांकि दमकल विभाग के जो चीफ है उनका कहना था अतुल गर्ग का कि अभी सर्च अभियान चल रहा है, हालांकि अभी 2 लोग और उसमें निकाले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ के 6 हो गया है घायलों का। और फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जारी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, टर्मिनल लेक पर हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी गनीमत वाली बात यह है कि ये सुबह के समय हादसा हुआ है, अगर यही हादसा दोपहर के वक्त हुआ होता तो शायद हो सकता। अच्छा सुरेश, ये बताइए कि ये जो 6 लोग घायल हैं उसमें एयरपोर्ट स्टाफ के ये लोग हैं या यात्री हैं, या इसकी पहचान फिलहाल हो पाई है? जी बिल्कुल, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये गार्ड हैं जो कैब की गाड़ी जो चलती, कैब के ड्राइवर हैं जो जिसमें जो 4 जख्मी हैं। और फिलहाल अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी पूरा बयान अभी आना बाकी है कि इसमें इंजर्ड जो 2 लोग हैं कौन है, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली कि ये सारे जो है गाड़ी के ड्राइवर हैं जो वहाँ पे किसी को छोड़ने या किसी को लेने के लिए वहाँ पे पहुंचे थे। सुरेश, कड़ी मुशक्कत के बाद में लोगों को बाहर निकाला गया है। पहले ये आंकड़ा 3 का था, फिर 4 का हो जाता है, अब 6 का हो गया है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि लोग गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे, इस बीच फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है। ऐसे में क्या और भी लोग अंदर फंसे हुए हैं, कि अभी भी और गाड़ियां अंदर फंसी हुई हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है पिलर के नीचे से? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो एयरपोर्ट का जो एक हिस्सा है, जो उसका रूफ है जो किस तरह से गिरा है, और जो बड़ा गार्डर है वो बिल्कुल उसका एक मलबा गिर चुका है, और गाड़ियों का जो एक हिस्सा वो नजर आ रहा है, दूसरा हिस्सा उसकी तरफ से नजर नहीं आ रहा। हालांकि फिलहाल शुरू में जो है 3 लोगों को निकाला गया था जिसमें एक ड्राइवर था, जिसमें 4 लोग थे, लेकिन फिलहाल अभी 2 लोग और निकाले गए हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का और पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल बचाव राहत का चल रहा है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि गाड़ी को एक हिस्सा नजर नहीं आ रहा, उसको मलबे हटाया जा रहा है, क्योंकि गार्डर बहुत बड़ा गार्डर है, उसको हटाने में मशक्कत करनी पड़ी है। हो सकता है कुछ लोग और निकले, लेकिन फिलहाल 6 लोगों की पुष्टि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस से कर दी है। जी लेकिन सुरेश एक बात बताइए, एक बारिश होती है, सिर्फ एक बारिश, अभी तो मानसून की शुरुआत है, और उसमें एयरपोर्ट का एक हिस्सा, छत का एक हिस्सा इस तरीके से भरभराकर गिर जाता है, तो क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है, और किसकी जिम्मेदारी बनती है अब जवाबदेही की? ये देखिए, ये तो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन इससे पहले जो एक देखा जाए तो एयरपोर्ट पे जो बारिश हुई थी, जल्दी अंदर तक पानी घुस गया था एयरपोर्ट के अंदर, तो अपने आप पे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ में घालमेल है, लेकिन फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जांच का विषय है, और जिस तरीके से ये बड़ा जो हादसा हुआ, जो गार्डर गिरा है, जो मलबा जो गिरा है, ये अपने आप पे इशारा करता है कि बहुत बड़ा करप्शन है, कोई भ्रष्टाचार है। हालांकि इसकी जांच की जाए कि आखिर गिरा तो गिरा किस वजह से, क्योंकि एयरपोर्ट जो है सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, जहां पर देश विदेश के लोग यहां पर आते हैं, और इस तरह से घटना हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही की ओर इशारा जरूर। लापरवाही तो है सुरेश, और बहुत बड़ी लापरवाही है। जरा ये बताएं, क्योंकि रात बचाव का काम चल रहा है, कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? देखिए 5:30 बजे का यह हादसा है, फिलहाल वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, दमकल विभाग कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं, इसके साथ ही जो पुलिस, दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है और लगातार चल रहा है, और ये कहना मुश्किल कब तक चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि अभी मलबा के हटाने का काम जो अभी लगातार जारी है। अच्छा सुरेश, इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि टर्मिनल 1 के आसपास जो इलाके हैं वहां पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, एक तो बारिश की वजह से, दूसरा इस रूफ के गिरने की वजह से ये जो कोलैप्स हुआ है पूरा का पूरा हिस्सा। ऐसे में जो यात्री हैं उनको किस तरीके की परेशानियों की का सामना करना पड़ रहा है, और उनके लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे 2 बूंद बारिश की टपकती है वैसे ही यातायात जो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो जाता है, और ये हादसा टर्मिनल 1 पर हुआ है, तो यकीनी इसका प्रभाव तो आसपास के इलाकों में पड़ना ही पड़ना है। हालांकि जैसे कि दमकल विभाग का कहना है कि क्योंकि कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द जो इसको रेस्क्यू किया जाए, लेकिन माना जा रहा है कि आसपास जो एयरपोर्ट के जो जाने वाले रास्ते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, वही बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है, वैसे भी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुलिस और तमाम लोग जो है मौके पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है सुरेश, नजर आप रखिएगा, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।